फ्रेंड्स, आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे, इसलिए आज हम आपको कुछ नया बनाना सिखाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस किनारे पर ये वाली जो पूरी लाइन है, ये इस वाली लाइन पर रख देनी है ताकि परफेक्ट स्क्वायर कट हो जाए। और फिर आपका साइड वाला जो पार्ट बच जाएगा उसको आपको काट देना है, या फिर आप फोल्ड भी कर सकते हैं, जैसे मैं तो अब काट रहा हूँ। और स्केल को साइड में रख के इसको ऐसे ले लेना, ये आपका ये चीज आपको तैयार हो जाएगी। और अब आपको इसको आधा आधा पूरा किनारे से किनारा मिलाते हुए लाइन पर लाइन रखनी है और इसको पूरा फोल्ड कर देना है। इसी प्रकार आपको दूसरी लाइन से फोल्ड करना है और उल्टा कर इसको कर देना है। अब इसको खोलना है। अब की बार आपको इसको इस किनारे से मिला देना है। मिलाया तो बन गया अपना। इसी प्रकार आप दूसरी साइड से भी करेंगे, किनारे से किनारा मिला देंगे। अब हम इस किनारे से मिलाएंगे। दूसरी साइड से भी हमको यही वाला सेम स्टेप फॉलो करना होगा। अब हम इसको खोल लेंगे। अब हमको ये लाइन दिखाई दे रही है अपनी इस कागज पर, तो अब हम इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करके हम इसके पैर बनाने के लिए इसको ऐसे फोल्ड कर रहे हैं। शरीर भी इससे तैयार हो जाएगा, इसके अच्छे से शेप मिल जाएगी। इससे ऐसे फोल्ड कर दिया है। दूसरी साइड से भी हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे और इसी प्रकार फोल्ड कर देंगे। आपको अगर ये पहली बार में समझ में ना आए तो इसको बार बार देखें और ये स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। आगे हमको इसके पैर बनाने हैं और हाथ बनाने हैं, तो इसके लिए हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। चारों साइड से हमको ऐसे ही सेम स्टेप फॉलो करते हुए फोल्ड कर देना है। फोल्ड हो चुका है ये, तो अब हम इसको पैर बना देंगे ताकि ये बाहर दिखे, इसलिए इसको एक और बार ऐसे पीछे फोल्ड कर देंगे, पूरा पूरा इसके ऊपर ढक देंगे। अब हमने तैयार कर लिए इसके पैर, अब हम इसको उल्टा कर देंगे। देखिए, इसके पैर और हाथ तैयार हैं, तो आप तब तो आप समझ ही गए होंगे हमने क्या बनाया है। चलिए, अब हम इसको मुंह को अच्छी तरह शेप दे देते हैं। अब हम इसको ऐसे कर देंगे। अब हम इसको शेप देने के लिए इसको फोल्ड करके इसके अंदर ऐसे दूसरी साइड से भी हमको यही वाला सेम स्टेप फॉलो करते हुए इसके अंदर ये डाल देना है। देखिए, जैसे कि आप समझ रहे हैं, हमारे मेंढक को कितनी अच्छी शेप मिल चुकी है। अब हम इसको उछलने वाला बनाने के लिए इसको पीछे ऐसे फोल्ड करके एक बार और फोल्ड कर देंगे। अब देखिए, मेंढक कितना अच्छा उछल रहा है। इसको अंग्रेजी में फ्रॉग कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपका सुंदर सा फ्रॉग बनकर तैयार है। आप घर पर फ्रॉग बनाइए और और बरसात के मौसम में इसको मजे से ऐसे उड़ाइए।